अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर में ही अपने वाइटनिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। अब आपको चलें आपको बनाना सिखाते हैं कि आप घर में कैसे बनाएंगे और घर में बनाकर आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये है तम्बाकू, मैंने तम्बाकू लिया है। इस तम्बाकू को मैंने लेकर और जो है थोड़ा सा जलाया है, जलाया मैंने। फ्रेंड्स, आपको दिखाया नहीं है क्योंकि जो है इसकी बहुत गंदी स्मेल है तो पूरे घर में हो रही थी, तो मैंने ये बस जलाया और इसको जलाकर इस कढ़ाई ली मैंने, कढ़ाई के अंदर इसको जलाया है तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जो है लूँगी कोयला, कोयला लेकर इसको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और पीसने के बाद जो है मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी और इनको बिल्कुल फ़ाइन बनाना है, बिल्कुल फ़ाइन इसको पीस कर बनाना है। तो तंबाकू को भी आप जलाएंगे किसी कढ़ाई में लेकर और उसको अच्छी तरीके से जला के ब्लैक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने तंबाकू जो है बिल्कुल जला लिया है और इसको बिल्कुल एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। घर में बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे, जितना बारीक होगा दरदरा सा होगा, आपके दांतों में लगेगा, चिपक जाएगा। बिल्कुल बारीक दोनों चीज़ों को पीसना है। पीसने के बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है नमक ऐड किया है। नमक आप अपनी ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं, आप देख लें आपको कितनी नीड है। तो मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया और इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो है मैंने जो है एक बोतल में शिफ्ट कर दूँगी मिक्स करने के बाद। और ये बोतल जो है आप अपने उसमें वॉशरूम में रख सकते हैं, जिससे जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये फाइन पेस्ट कितना फाइन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अब ये इसमें जार में डाल दिया है। जार में डालकर जो है मैं इसको रख लूँगी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, मैंने तंबाकू लिया है, उसको बिल्कुल जला लिया है कढ़ाई में। उसके बाद मैंने जो है कोयले लिया है, कोयले को जो है मैंने पीस कर और जो है इसको भी मैंने एक पेस्ट वो बना लिया है, पाउडर बना लिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है, सब चीज़ों को ऐड कर मैंने इसका एक पेस्ट वो मिक्सचर बना लिया है। अब आप जब भी आपको यूज़ करना हो आप थोड़ा सा लें और ब्रश के ऊपर जो है आप थोड़ा पानी लगाएं और इसके आप लगा कर और आपने ब्रश कर, आपके मसूड़े सूज गए हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और जितनी भी जो है टीथ के प्रॉब्लम्स हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आपकी ये यूज़ करने से सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी रेमेडी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।